हाय गाइस, मैं हूँ नेहा और आज हम रिव्यू करेंगे बाटा के फुटवेयर्स। क्योंकि जैसा कि शायद आप लोग भी जानते होंगे कि बाटा में अभी एंड ऑफ सीज़न सेल चल रहा है, तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम बाटा के वेबसाइट से फुटवेयर्स ऑर्डर किए हैं खुद के लिए, एंड दो फुटवेयर्स ऑर्डर किए हैं मैंने अपने फादर के लिए। तो देखते हैं ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें किस टाइप का प्रोडक्ट क्वालिटी है, क्या वो शोरूम जैसा ही है या फिर थोड़ा सा कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, या फिर जो डेड स्टॉक है वो तो नहीं भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला कुरियर, पहला बॉक्स मैंने निकाला है। बॉक्स की क्वालिटी तो थोड़ी सी गड़बड़ है। एंड ये है मेरे फादर के लिए जो फुटवेयर मैंने मंगाया था वो। इसका प्राइस अप्रॉक्स 500 है। मैं एग्जैक्ट जो प्राइस है और डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट लिंक है वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कुशनी सोल देने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा हार्ड सोल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और ये इस टाइप के चप्पल्स हैं कि आप रेनी सीजन में भी पहन सकते हो और डेली बेसिस के ऊपर आप वेयर कर सकते हो। क्वालिटी सो सो है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है। ये मुझे नॉर्मल लगे, जो प्राइस रेंज है उस हिसाब से अच्छे फुटवेयर हैं। वैसे बाटा के शोरूम से आप नॉर्मल जैसे वॉक इन शोरूम जाके ही आप लेते हैं पहन के, फिट देख के फुटवेयर का कैसा है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने वेबसाइट से ऑर्डर करके देखा है, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी कि कैसे क्या प्रोडक्ट आने वाला है, साइज़ सही आएगा कि नहीं, बिकॉज़ कुछ फुटवेयर्स का साइज़ बड़ा रहता है और कुछ फुटवेयर्स का एग्जैक्ट साइज़ आता है, नंबर भले ही नंबर वही हो। तो ये है सेकेंड फुटवेयर। इसके बॉक्स की हालत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ है आई गेस। बाटा को अपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये है सेकेंड फुटवेयर, ये 6 नंबर पे है। थोड़ा सा आप कह सकते हो फैंसी है, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, वेलवेट ब्लू कलर का स्ट्रिप्स है, उस पे स्टोन्स लगे हुए हैं। सोल सॉफ्ट है बिकॉज़ ये बाटा का कम्फिट प्रोडक्ट लाइन का है। 6 नंबर है ये, मुझे 6 नंबर आता है। देखने वाइज बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है। अब नेक्स्ट फुटवेयर देखते हैं। इसकी भी हालत खराब है। ये मेरे फादर के लिए जो मैंने फुटवेयर मंगाया था वो है। इसका लेदर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये बाटा का स्कोल वैरायटी का फुटवेयर है। इसमें जो सोल होता है वो काफ़ी कुशनी होता है, जैसे वो डायबिटिक हैं तो उनके हिसाब से सॉफ्ट सोल की स्लिपर्स उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, उस हिसाब से मैंने मंगाया है। इसमें मेमोरी कुशन होता है एंड ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है। इसमें वेलक्रो भी लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा आपको टाइट करना है, लूज़ हो रहा है तो उस हिसाब से। वैसे इसमें थंब पार्टीशन है आगे की तरफ, तो पैर अगर आपका थोड़ा लूज़ भी होता है फुटवेयर तो कहीं जाने वाला नहीं है। उनको 6 नंबर आता है, तो ये 6 नंबर फुटवेयर है। यानी उन्हें काफ़ी पसंद आया बिकॉज़ ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बट हाँ रेनी सीजन में पहनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज़ लेदर ख़राब हो जाता है पानी लगने से, अदरवाइज बाकी सीजन्स के लिए। दिस इज़ दी फोर्थ फुटवेयर और ये मैंने मेरे लिए मंगाया है डेली बेसिस पे पहनने के हिसाब से। पूरा ही ये रबर काइंड ऑफ मटेरियल का बना हुआ है एंड इसका कॉस्ट भी अप्रॉक्स 500 के आसपास है।
द एग्जैक्ट MRP इज़ 499 रुपीज़ जो मुझे मिला है। कुछ फुटवेयर पे डिस्काउंट मिला है, कुछ पे नहीं मिला है। जो प्रीवियस फुटवेयर मैंने अभी शो किया था उसमें मुझे 11.02% डिस्काउंट मिला था, वो भी विद डिस्काउंट। लाइक MRP क्या है वो और आफ्टर डिस्काउंट मुझे कितने का मिला है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये नेक्स्ट फुटवेयर है, ये भी बहुत कैजुअल सा चप्पल है डेली बेसिस पे पहनने के हिसाब से। ये पूरा ही रबर का है तो व्हेन यू वॉक ये थोड़ा सा कुशनी है, दबता है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी वो नहीं है, हाई प्राइस नहीं है, 299 रुपीज़ का मुझे मिला है और ये मतलब यही रेट है, डिस्काउंट नहीं है इस पर। नाउ द नेक्स्ट स्लीपर्स और फुटवेयर यू कैन कॉल, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत रफ एंड टफ है। इसके जो ऊपर बेल्ट है इस पे छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, शाइनी स्टोन्स, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका ही एक बड़ा नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ, 6 नंबर करीबन 6-7 मंथ्स से, एंड बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे पहनने में, सॉफ्ट है। एंड इसका MRP है 499 रुपीज़, एंड इसके स्टोन्स भी बहुत ही एक आधा ही निकले होंगे, डेली बेसिस पे रेनी सीजन में भी मैंने इसको पहना है और ये बढ़िया है। इसमें हल्का सा स्क्रैच आया है, ये वाली जो फुटवेयर है इसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया है एक चप्पल पे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फुटवेयर, ये भी स्कोल का है और इसमें पूरा जो हील है उसमें लाइक मेमोरी कुशन रहता है, पहनने में बहुत सॉफ्ट है। जिनको हील पेन होता है, जैसे मुझे हील पेन होता है, एड़ी में दर्द होता है, तो उसके लिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी स्लीपर्स ऑर्डर करी हैं।